कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआई अब कड़ियां जोड़ने में जुटी है। सीबीआई के सूत्रों का दावा है कि मंगलवार को देश भर के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद अहम सुराग और दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोप है कि कांग्रेस सांसद विजय दर्डा, उनके भाई और महाराष्ट्र सरकार में शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए कोल ब्लॉक आवंटित करा लिए। सीबीआई अब इनसे पूछताछ कर कोयला घोटाले के राज उगलवाना चाहती है। सीबीआई इन लोगों से ये भी जानना चाहती है कि दर्डा परिवार में से कौन सा शख्स कोल मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क में था। अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि देवेंद्र दर्डा कोल आवंटन बैठकों में शामिल होते थे। सीबीआई संसद सत्र के बाद सांसद विजय दर्डा से पूछताछ करेगी। सीबीआई पहले इन सब से अलग अलग पूछताछ करेगी, फिर सबको साथ बिठाकर कोल ब्लॉक से इनका कनेक्शन जानने की कोशिश करेगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि जायसवाल ग्रुप और दर्डा बंधुओं ने कोल ब्लॉक लेने के लिए बढ़ा चढ़ाकर अपनी हैसियत बताई। आरोप ये भी है कि दर्डा बंधुओं ने दो वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने की बात कही और बदले में वित्तीय संस्थाओं को कंपनी के 25% शेयर देने की बात कही। कोल ब्लॉक लेने के लिए जो दस्तावेज पेश किए गए उसमें कर्ज में ली गई रकम को भी अपनी हैसियत में जोड़कर दिखा दिया। कोलगेट मामले की जांच कर रही सीबीआई अभी 5 अन्य कंपनियों के खिलाफ भी आरंभिक जांच कर रही है और इन कंपनियों के खिलाफ तथ्य आने पर सीबीआई नए मुकदमे दर्ज कर सकती है।